तो भाई ये बता रहे हैं कि जो इनके जो शॉप के ओनर हैं वो इनके रिश्तेदार हैं भाई, ये अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार। तो अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार ने भाई इथोपिया में हरार में नाई की दुकान खोली हुई है भाई। ये देखो आप, ये देखो तिल और गुड़ के लड्डू मिल रहे हैं भाई। ये कैमल का मिल्क है, इसको ट्राई करते हैं, कैमल मिल्क फर्स्ट टाइम। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं आदिस अबाबा से फ्लाइट लेके हरार पहुंचा था, जिसका प्राइस मैंने 3,200 रुपए पे किया था, जो कि ओरिजिनल फ्लाइट प्राइस का केवल 1/4 था। तो ये डिस्काउंट मुझे कैसे मिला, इसके लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में हम हरार सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और वो मेन चीज करेंगे जिसके लिए मैं हरार आया था। जी हाँ, वाइल्ड हाइनास को फीड कराएंगे, जो कि अपने आप में एक अनोखा एक्सपीरियंस है जो पूरी दुनिया में केवल आप हरार में ही ले सकते हो। सो गाइस, अब हम जो है ना हरार की ओल्ड सिटी में हम लोग घूम रहे हैं। सिटी के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ये जो सिटी है यार, एक बड़ी सिटी है हरार, उसके अंदर एक हिस्टोरिकल सिटी है ये, हरार जुगोल कहते हैं इसको। और ये है ना 48 स्क्वायर किलोमीटर में ये सिटी फैली हुई है। तो एक तो मेन सिटी है, उसके बीच में ये जो है ना एक सर्कल की फॉर्म में ये सिटी बनी हुई है। तो इस तरीके से वॉल्स हैं सिटी के चारों ओर, और ये वॉल्स जो है ना किसी को पता नहीं है कितनी पुरानी है, एटलीस्ट 1000 ईयर्स ओल्ड तो है ये। तो यार अभी हम लोग जो है ना इधर यहाँ पे एक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, वो ओल्ड सिटी की सबसे बड़ी मार्केट है। और यहाँ पे ये देखो यार, गधे वगैरह घूम रहे हैं, लकड़ी वगैरह गधों के थ्रू ये लेके जाते हैं। थोड़ा पहाड़ी रीजन है आप देख सकते हैं ऊपर। और ये देखो सामने यहाँ पे कंघे वगैरह बिक रहे हैं, साबुन बिक रहा है भाई लाइफ बॉय का, लोग कपड़े सिल रहे हैं। और ये देखो भाई साहब खत चबा रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये पत्तों को ना ऐसे चबाते रहते हैं, देखो ये दिखा रहे हैं। ओके, पत्तों का स्वाद ना यार थोड़ा हल्का सा बिटर है, लिटिल बिटर बट नॉट मच। थैंक यू सो मच। हरार रीजन में ना यहाँ की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और इस पूरे एरिया में कम से कम 82 मॉस्क हैं। और हरार को ना मुस्लिम्स के लिए लाइक फोर्थ होलियस्ट सिटी बोला जाता है। ये चारों तरफ ना मीट की शॉप्स हैं, और बाहर ही ये खाने पीने के लिए भी लोगों ने ना अपने टेबल वगैरह बनाई हुई है। ये जो मार्केट है ये इटालियन लोगों ने बिल्ड किया था, क्योंकि कुछ 5 साल के लिए इटालियन लोग यहाँ पे आए थे। ये सामने आपको एक मॉस्क दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत सी मॉस्क है, आप देख सकते हो ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है। ये यहाँ पे इटालियन लोगों ने बनाई थी, तो इस चक्कर में इस मॉस्क का नाम भी इटालियन मॉस्क रख दिया है। तो आपको भाई ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये इंडियन मर्चेंट ने बनाई थी, जवाजी नसरुल्ला करके। और यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर साइट है, आप इस बिल्डिंग का अगर आर्किटेक्चर भी देखोगे तो काफ़ी इंडियन इंस्पायर्ड है थोड़ा आर्किटेक्चर, आप देख सकते हो जिस तरीके से खिड़कियाँ वगैरह बनी हुई हैं। वैसे तो ये बिल्डिंग एक इंडियन मर्चेंट ने बनवाई थी, बट ये बिल्डिंग फेमस है आर्थर रैम्बो की वजह से। आर्थर रैम्बो एक फ्रेंच पॉइट थे जिन्होंने अपने जीवन के 11 साल हरार में इसी बिल्डिंग में बिताए थे। तो इस बिल्डिंग के अंदर आपको उनके जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आपको हरार की पुरानी इमेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ से आपको एक बहुत ही कूल व्यू दिखाई देगा पूरी सिटी का। इसके लिए आपको केवल 50 बीर का टिकट प्राइस पे करना पड़ता है, जो कि $1 से भी कम होता है। ये जो मॉस्क है ये है भाई की ओल्ड टाउन की सबसे बड़ी मॉस्क, और इस मॉस्क के जस्ट साइड में ही ना भाई एक कैथोलिक चर्च भी है। यहाँ पे देखो यार किस तरीके से भाई लोग नशे का शिकार है भाई, यहाँ पे खत खा कैसी पड़े रहते हैं। ये देखो सब केवल खत चबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे यार, ये लोग ऐसे ही पूरा दिन सुबह सुबह आते हैं, बैठे रहते हैं और खत चबाते रहते हैं। ये देखो ये है भाई यहाँ का सबसे पुराना चर्च, जो कहेंगे ओल्ड टाउन का मॉस्क है। मॉस्क के पीछे एक गली है, गली में ये एक चर्च है जो कि काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है यार, अगर देखा जाए तो 78 या 80 साल पुराना है यार ये। और ये भाई हरार टाउन की सबसे पहली मस्जिद भाई, लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद है ये। इस ओल्ड टाउन में आपको बहुत ज़्यादा मस्जिद देखने को मिलेंगी। हरार के पुराने शहर के अंदर ना यार 5 तरीके के गेट हैं, इस तरीके के 5 गेट हैं। जो ओल्ड सिटी है ना हरार की, जो उसका ये एक गेट है जिसको कहते हैं गेट ऑफ कंपैशन। तो इस्लाम के अंदर जो है ना 5 इनके पिलर्स बोले जाते हैं, उनमें से एक कंपैशन है जिसको रिप्रेजेंट करता है ये गेट। और देखो गेट के बाहर निकलते ही यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे केरोसिन मिल रहा है, खाने का तेल मिल रहा है, ये मूंगफली मिल रही है। तो यहाँ पे यार जो है ना ज्यादातर बकरी का दूध ही पीते हैं, तो ये गर्म हो रहा है दूध। इनके पास जो है ना ऊँट का भी दूध है, ऊँट और बकरी का, कैमल का मिल्क है, इसको ट्राई करते हैं, कैमल मिल्क फर्स्ट टाइम, आई नेवर ट्राइड कैमल मिल्क। तो यार इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा खट्टा नहीं था, थोड़ा सा अलग है। तो इसमें ना ये दूध में ना ऑलिव ऑयल वगैरह का कोई एक लकड़ी होती है, उसको डालते हैं ताकि खुशबू आ जाए, और उससे अच्छा लगता है ये मिल्क। सो यू ड्रिंक एवरी डे दिस मिल्क? यस इट्स इटालियन बिकॉज़ ऑफ व्हाट यू आर नॉट गेटिंग अदर थिंग्स, इट्स ओनली
कुब्यूल टावर पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जियाँ बिक रही हैं अलग अलग, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, और काफ़ी अलग सा माहौल है यार यहाँ पे। आप देख सकते हो जैसे बकरियाँ घूम रही हैं, जितनी भी सेलर्स हैं ना सारी यहाँ पे वुमेन दिखाई दे रही हैं। और इसके पीछे भी छोटी छोटी शॉप्स हैं जिनमें जैसे कि परचून की दुकान खोल रखी है लोगों ने। इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ कितना भारी लकड़ी लेके आ रही हैं यार। और जिनके पास यार गधे के लिए पैसे नहीं होते ना, गधे का किराया देना पड़ता है, तो वो लोग जो है ना अपने सर पे रख के लकड़ियाँ लाती है जंगल में खाना बनाने के लिए। आज भी इथोपिया के अंदर अब गैस वगैरह सबको अवेलेबल नहीं है यार। मेन सिटीज़ जैसे है ना आडिस अबाबा वगैरह, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो बाकी जगह जो है ना वो लकड़ियों से ही काम चलता है भाई। ये देखो यार तिल के लड्डू भाई, यस यस दिस स्वीट राइट। ये देखो तिल और गुड़ के लड्डू मिल रहे हैं भाई, ये छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं लेकिन है तो वही तिल और गुड़ के लड्डू भाई। यार यहाँ पे एक शॉप में आए थे हम लोग, ये देखो आप, ये नाई की दुकान है। यहाँ पे देखो बाल की कटिंग हो रही है। सबसे स्पेशल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो भाई, ये अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगी हुई है, ये उनकी पूरी फैमिली की फ़ोटो लगी हुई है देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है भाई ये। और इधर देखो आप लता मंगेशकर की फ़ोटो लगी हुई है, ऊपर आप देख सकते हो 15 अगस्त 1947 भारत की आज़ादी के समय की फ़ोटो लगी हुई है। पीछे आप देख सकते हो ताजमहल की फ़ोटो लगी है। और यहाँ पे देखो आप यार, यहाँ पे शाहरुख खान, काजोल, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, तब्बू, बॉबी देओल, ये अक्षय कुमार, और ना जाने देखो, ये देखो सुनील शेट्टी की फ़ोटो लगी हुई है भाई। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो बार्बर शॉप है इनके ओनर जो है ना वो इंडियन है, मतलब बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, शायद अब तो मेरे ख्याल से इथोपियन ही होंगे वो, लेकिन भाई उनका देख सकते हो उन्होंने अपनी पूरी शॉप में इस तरीके से चीज़ें लगा रखी है। वो अभी है नहीं, वो संडे का दिन है आज, तो संडे के दिन पे वो रेस्ट पे रहते हैं। सो यू ऑल्सो वॉच इंडियन मूवीज? या विच वन इज़ योर फेवरेट? व्हाट इज़ हिज नेम, टेल मी। सलमान। ओह या दैट इज़ शाहरुख। या सलमान, यस या शाहरुख इज़ योर फेवरेट? हाँ अजय सुनील शेट्टी। योर फेवरेट इज शाहरुख खान? बेस्ट। ओके ओके, विच मूवी यू लाइक द मोस्ट? बाजीगर और डर। नाइस नाइस। एंड योर्स, योर फेवरेट? कुछ 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 होता है। शाहरुख खान, yeah, we have seen a lot of Indian movies, lot of Indian movies, everybody in Harar has listened. Indian movies ke liye bhai in logon ka pyar dekho yaar, gajab. And you can also sing Hindi songs? Yeah, I like Gujarat. He is from Gujarat, owner. He is a relative of Amitabh Bachchan. ये भाई ये है क्या नाम है, ये शॉप के ओनर जिनकी शक्ल जो है ना अमिताभ बच्चन से थोड़ी मिलती है। और देखो उनके फादर और उनके अंकल की फोटो है और उनकी बहन की फोटो है। तो भाई ये बता रहे हैं कि जो इनके जो शॉप के ओनर है वो इनके रिश्तेदार हैं भाई, ये अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार। तो अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार ने भाई इथोपिया में हरार में नाई की दुकान खोली हुई है भाई, ये देखो आप। यस, तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ना इथोपिया के अंदर बहुत सारे इंडियन टीचर हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं मेडिकल, दे टीच मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्ट। ओके, तो भाई यहाँ पे ज़्यादातर जो बड़ी हायर स्टडीज़ है ना उसमें इंडियन जो प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब। तो जितने भी मतलब जो भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं ना कॉलेज के बच्चे, उनका कभी ना कभी कोई ना कोई जो है ना इंडियन टीचर ज़रूर रहा है इधर इथोपिया के अंदर। Really? Yeah, in Ethiopia? Ethiopia. No, you are kidding. No, you are having. Now you are having fun. You will ask him. तो भाई बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के जो फादर है ना हरिवंश राय बच्चन, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे टीचर रहे। व्हाट ही यूज्ड टू टीच हिंदी? नो नो, इट्स आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। नो, ही वाज़ in Ethiopia? Yeah. Really? In Harar. In Harar? Yeah. And he used to live in this shop? Yes. Yes. Bag. तो भाई अभी यहाँ पे मैं जो है ना
यहाँ पे रोज ना डेली हाइनास जो है ना यहाँ पे इस पहाड़ पे आती है और जो है ना मीट वगैरह खाती है। और आप देख सकते हो मेरे आसपास कितनी सारी वाइल्ड हाइनास है, देखो मेरे कितने क्लोज आके जो है ना अभी खाई खाएगी, मीट खाएगी है देखो। और चलो भाई 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 देखो आप तो, कम से कम भाई मेरे आसपास इस पहाड़ के आसपास अगर आप देखोगे तो कम से कम भाई 10 से 12 हाइनास होंगी। ये लोग क्या मानते हैं कि ये जो हाइनास है ना इवन स्पिरिट को दूर रखती है, इस चक्कर में ये लोग ना रोज हाइना को मीट खिलाते हैं। इज दिस बिकॉज ऑफ लाइट दे आर नॉट कमिंग हियर? यहाँ पे आपको जितनी भी हाइनास दिखाई दे रही है ना सारी पूरी तरीके से वाइल्ड है, जो कि सीटी की आवाज़ सुन के शाम को अपने आप मीट खाने के लिए आती हैं। तो इनके बिहेवियर की कोई गारंटी नहीं लेता है, तो आप अपने रिस्क पे ही हाइना फीडिंग करते हैं। आप अगर आप भी हाइनास को फीड करवाना चाहते हैं तो आप हरार टाउन में किसी से भी हाइना मैन का पता पूछ सकते हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। देखो किस तरीके से मीट खाई हो तो मेरे को अभी हाइना को बुला रहे आप मीट खाओ वाला वीडियो कौन कौन मिला उधर रो ऑल द सिक बाय मोस ओ माय गॉड दिस वे लुक सिक्स लुक द कैमरा हो तो Okay, make it.